चलिए आज सोयाबीन और कुछ और जिनसों के भाव ले रहे थे। हमारे साथ व्यापारी जो है पंकज जी हैं। पंकज जी, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या आवक रही होगी और क्या भाव रहे हैं? कायम है साहब। क्या क्या लेते हैं अपन? अपने सोयाबीन की आज 1500-1800 पूरी आवक है। वो बाजार आज कम से कम 67-70 रुपये तेज है। ऊंचे में 46-46 बिक गई सोयाबीन, 45-46 रुपये, मतलब 700-800 रुपये तेज है। नहीं, 60-70 रुपये तेज है। 60-70 रुपये तेज है। और चना? चना भी ठीक है, 54-54 बिक गया ऊंचे में, 52.5 से 54.5 बिक गया। मतलब चने में भी करीबन 100-150 रुपये उछाली है। हाँ, और उछाल आ सकता है भी आने वाला। चना बढ़ सकता है, और चना बढ़ सकता है। चना की डिमांड कंटिन्यू बनी रहती है बेसन वगैरह में, तो चने में कुछ सुधार हो सकता है। अच्छा, आवक कम ऐसा कुछ है? आवक नहीं, आवक तो ठीक है। 1200-1500 बोरी है। सोयाबीन की आवक कम है, तो चने में कितना उछाल आ सकता है आने वाले दिनों में? चना ये 60 रुपये तक बिक सकता है आने वाले रूप में, जन्म में। ठीक है। तो ये पंकज जी थे जो बता रहे थे कि चना जो है उसमें उछाल आ सकता है। आज भी थोड़ा उछाल है चने के अंदर। इसके साथ ही जो सोयाबीन है, वो सोयाबीन जो है 48 रुपये तक प्रति क्विंटल की दर से मनसूर मंडी के अंदर बिक गई। करीब 2500 बोरी जो है वो सोयाबीन की आवक थी। और सोयाबीन के साथ में चने में भी उछाल आने वाले दिनों में भी आ सकता है। सोयाबीन में भी आज उछाल है, साथ ही साथ चने में भी उछाल है। तो आज दोनों ही जिनसों में अच्छा खासा उछाल मनसूर मंडी के अंदर देखने